हजारीबाग गिद्दी डेवी स्कूल में प्रतिदिन सुबह सैकड़ों की संख्या में लड़के एवं लड़कियां आते हैं और दौड़ के लिए जहां पर उनके इच्छा ही है कि अपने पैरों में खड़े होकर हमेशा देश और समाज की सेवा करें। बताते चले कि गिद्दी निवासी राहुल महाली के द्वारा सभी बच्चों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि कैसे सेवा में भर्ती होने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। वो बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं हर दिन सभी को इस मिशन में सफल बनाने के लिए हर प्रयास करूंगा। डीएवी का ग्राउंड है जो हमारा ट्रैक 400 मीटर का है, तो अभी 5 किलोमीटर का हमारा ट्रायल हुआ जिसमें 12-12.5 चक्कर लगाने होंगे। ये 400 मीटर का पूरा ट्रैक है और हम लोग दिन बाय दिन डे बाय डे हम लोग ग्राउंड की मरम्मत भी करते हैं खुद से। सभी जितने भी स्टूडेंट हैं मेरे सारे हेल्प करते हैं इसमें। किसी प्रकार का यहाँ पर कोई ये दबाव नहीं है कि कोई ये कर देगा वो कर देगा। हम लोग सब कोई मिल के इकट्ठे काम करते हैं और हमारे एकेडमी में आपको बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, झारखंड पुलिस, इंडियन आर्मी, एसएससी, जीडी या फिर ऑल डिफेंस सबकी प्रैक्टिस कराई जाती है। गोला फेंक से लेकर हाई जंप, लॉन्ग जंप सारा कुछ आप उधर हमारा देख सकते हैं। हाई जंप लॉन्ग जंप का ट्रैक है, इधर हमारा ट्रैक है, साथ में बीम वगैरह सब कुछ है, सारी फैसिलिटी यहाँ पर है। तो आप जितने भी लोकल यहाँ के तैयारी कर सकते हैं और यहाँ पर आके अपना अनुभव साझा कर सकते हैं। जय हिंद। हम मौजूद है हजारीबाग संसदीय क्षेत्र जहाँ पर गिद्दी डीएवी स्कूल का ये ग्राउंड है, जहाँ पर आप देखते हैं इंडियन आर्मी हो या देश का कई सेना है उनमें कई बच्चे ट्रेनिंग करते हैं। यह वही ग्राउंड है जो डीएवी का ग्राउंड है, जहाँ पर ग्राउंड काफ़ी विशाल ग्राउंड है। इस ग्राउंड में छात्र हो या छात्राएँ सभी ट्रेनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं और यहाँ से कई ऐसे बच्चे हैं जो बीएसएफ हो या भारतीय सेना समेत तमाम क्षेत्र में अपना योगदान भी दे दिए हैं और बहुत ही ट्रेनिंग भी चल रही है। आप अपना नाम बताइए और कैसा महसूस कर रहे हैं? मेरा नाम निशा सिंह है और मेरा यहाँ ट्रेनिंग के दौरान 11 मंथ से मैं ट्रेनिंग ले रही हूँ। यहाँ ऑल एग्जाम डिफेंस का ट्रेनिंग होता है जो हमारे राहुल भैया दिलाते हैं। इस ग्राउंड की एक खासियत है कि यहाँ पे जितने भी बच्चे आते हैं सिलेक्ट होके ही जाते हैं और बहुत सारे कैंडिडेट अभी ऐसे हैं कि जो अभी आ रहे हैं ट्रेनिंग ले रहे हैं। और पहली बार तो यहाँ पे एक निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाती है, कोई फी वगैरह कुछ ली नहीं जाती है। भैया के द्वारा पर्सनल ट्रेनर रही है, हमारे सिर्फ एक ही कोच है जो सारे बच्चों को ट्रेनिंग कराते हैं, गर्ल्स बॉयज सबको। तो गुरु दक्षिणा के रूप में आप क्या देना चाहते हैं? अगर गुरु दक्षिणा के रूप में हम भैया को सिलेक्शन देना चाहते हैं अपना, मेरा अगर सिलेक्शन होगा तो सारा क्रेडिट इन्हीं को जाता है। उन्होंने बताया कि गुरुदक्षिणा के रूप में है तो बहुत बड़ी चीज देगा। हालांकि ये गिद्दी के जो डीएवी के जो ग्राउंड है जो हजारीबाग संसदीय क्षेत्र, यहाँ के विधायक है जेपी पटेल जो लोकसभा हजारीबाग पड़ती है और यहाँ के कई बच्चे हैं जो कि ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो अभ्यास कर रहे हैं प्रतिदिन सुबह से, साल दो साल से यहाँ पर अभ्यास लगातार जारी है। ऐसे में रामगढ़ जिले की बात करते हैं, रामगढ़ जो सिख रेजिमेंट है जो भारत का ही नहीं भारत का सबसे बड़ा अगर सिख रेजिमेंट क्षेत्र है तो रामगढ़ है। रामगढ़ की धरती पर यह पड़ता है, जहाँ पर रामगढ़ और हजारीबाग दो क्षेत्र में है, जहाँ बीएसएफ का भी ट्रेनिंग सेंटर हजारीबाग क्षेत्र है। ऐसे में यहाँ पर जो बच्चे जिस प्रकार का ट्रेनिंग कर रहे हैं यह आने वाले दिन में भविष्य का और उज्ज्वल का कामना करते हैं। हमारे साथ कुछ लड़के भी जुड़ेंगे, अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुंदर भाटी है, मैं यहाँ पिछले 10 दिनों से आ रही हूँ और ट्रेनिंग मैंने नई शुरू की है यहाँ पे, तो अभी तक तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। रोज सुबह वार्म अप हो गया, रनिंग के बाद फिर कूल डाउन एक्सरसाइज, वो सब काफ़ी अच्छा है। 10 दिन में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है, इम्प्रूवमेंट हुआ है। खाना क्या क्या खाते हैं? जो भैया डाइट बताए हैं वही फॉलो कर रहे हैं अभी, मूंग चना और जो भी प्रोटीनियस फूड्स हैं वो। में एक सवाल है कि मानिए लड़का लड़कियाँ बच्चे हैं कि छोला भी विशेष ध्यान देते हैं, क्या सत्यता क्या है? तो रनिंग कर रहे हैं तो वो सब स्टेमिना को कम कर देता है, तो उसको थोड़ा सा क्विट करना पड़ता है। एकदम बंद कर दिए कि? अभी तो एकदम बंद कर दिए। बंद कर दिए, कितने दिन से? पिछले 15 दिनों से। क्या बनना चाह रहे हैं आप लोग? अभी फिलहाल तो दरोगा का तैयारी चल रहा है, बाकी सबका अलग अलग है। कोई जीडी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई इंडियन आर्मी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। भारतीय सेना में जाना चाहते हैं? नहीं, वो तो नहीं है अभी, पर बाकी स्टेट पुलिस। भारतीय सेना जो देश का सबसे बड़ा स्थान होती है, तो भारतीय सेना में जाने के लिए काफ़ी बच्चे ललाक रहते हैं। ऐसे में भारतीय सेना में जाने के लिए काफ़ी ही ट्रेनिंग भी हार्ड होती है, लेकिन अब देखना कि गिद्दी का जो डीएवी क्षेत्र में जहां पर बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं और उनका अभ्यास जो चल रहा है ये कब तक पूरा हो पाती है। रफ्तार मीडिया के लिए मैं गुड्डू पांडे, रामगढ़ हजारीबाग।